नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने विकल गुरु यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज में। तो किसान साथियों, आज की वीडियो में आपके साथ में शेयर करेंगे पावर ट्रक 434 DS, जिसको आप स्ट्रेट एक्सल में देखने को आपको मिलता था। तो अभी जो इसको दोबारा से ही रिडक्शन सिस्टम के साथ में कंपनी ने लॉन्च किया है, तो क्या कुछ अब की बार जो 2023 में इसमें चेंजेस हुए हैं वो आपके साथ में शेयर करेंगे। अगर इस ट्रैक्टर की हम बात करें इंजन के बारे में, तो ये 39 हॉर्स पावर का कैटेगरी का ट्रैक्टर है, जो कि 2000 रेटेड RPM पे अपनी पूरी पावर जनरेट करता है। तीन सिलेंडर बोस कंपनी के इनलाइन पंप के साथ में ये ट्रैक्टर आता है। इसमें आपको वाटर सेपरेटर विद सिंगल डीजल फिल्टर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। टूल बॉक्स भी आपको अवेलेबल रहेगा। अगर साइड में अगर आप देखोगे तो इसमें आपको काफ़ी बैचिंग देखने को मिलेगी। लोड मैक्स इसका वेरिएंट है, डीजल सेवर प्लस हाई कैपेसिटी इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी जो है हाई है, हाव रिडक्शन के साथ में ये ट्रैक्टर आता है। अगर इस ट्रैक्टर की हमें बात करें गियरबॉक्स के बारे में, तो इसमें आपको कॉन्स्टेंट मैस गियरबॉक्स देखने को मिलेगा, जो कि 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स के साथ में आता है। इसमें आपको लिफ्ट लॉक सिस्टम मिल जाएगा, ब्रेक लॉक के लिए यहाँ पे दिया गया है लीवर। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें जो ब्रेक है वो तेल ब्रेक के साथ में ट्रैक्टर आता है। ये पैर वाली रेस यहाँ पर हो गई है। अगर इस ट्रैक्टर की देखोगे आप स्पेस के मामले में, तो स्पेस काफ़ी ट्रैक्टर में काफ़ी ज़्यादा है। और जो पायदान वगैरह देखोगे आप, काफ़ी ट्रैक्टर कंपनियां आपने देखा होगा, छोटे ट्रैक्टर या बड़े हो, उसमें आपको जो पायदान है वो काफ़ी छोटे मिलेंगे। इसमें आप पायदान देखोगे तो पूरा पीछे ट्यूब की तक ही आप ये देखो, यहाँ पर भी स्पोर्ट है ताकि इसमें वाइब्रेशन भी नहीं हो पायदान पर, और पूरी पैरों पर जो स्पोर्ट मिला आप, ठीक है। उसके साथ में आप अगर देखोगे तो इसमें हाइड्रोलिक कंट्रोल के लिए 2 लीवर हैं, ड्राफ्ट के लिए, पोजीशन के लिए 2 आपको लीवर यहाँ पर दिए गए हैं, जिससे आप हाइड्रोलिक को कंट्रोल कर पाएंगे। यहाँ पर आपको 39 HP की कैटेगरी का जो यहाँ पर बैचिंग आपको देखने को मिलेगी। अगर सीट को आप देखोगे तो काफ़ी डिलक्स सीट है, चौड़ी सीट इसको पहले के मुकाबले में चौड़ी सीट इसके ऊपर लगाई गई है, और आरामदायक है। आप वेट के अनुसार, हाइट के अनुसार आप इसको एडजस्ट कर पाएंगे। या यहाँ पर आपको जो एंड वाली रेस आपको देखने को मिलेगी। अगर बात करें इसके स्पीड्स की, तो आप यहाँ पर इसका जो स्पीड स्टार्ट इसमें आपने मिल जाएगा, स्टैंडर्ड RPM 540, आपको 1800 रेटेड RPM 540 चक्कर आपको मिल जाएंगे। ग्राउंड स्पीड एट 2000 इंजन रेटेड RPM, ठीक है। तो इसका जो डैशबोर्ड है उसमें कोई चेंज नहीं है, डैशबोर्ड आपको वही उसी टाइप का मिलेगा, बड़े स्टेयरिंग के साथ में। अगर इस ट्रैक्टर की बात करें एक्सल की, फ्रंट एक्सल की, इसमें फ्रंट एक्सल जो आपको नॉन एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल देखने को आपको इसमें मिल जाएगा। इसमें आप रियर टायर अगर देखोगे तो इसमें आपने 13/6/28 के रियर टायर, फ्रंट के जो टायर होंगे आपको 6/50 के आपको इसमें फ्रंट टायर मिल जाए, 6 के टायर इसमें आपको 6/16 के फ्रंट टायर मिल जाएंगे आपको। कंपनी फिटेड हैवी ड्यूटी आपको इसमें बम्फर मिलेगा। तो किसान साथियों के लिए 39 HP में 434 बेस्ट ट्रैक्टर रहेगा डीजल सेवर के मामले में। काफ़ी अच्छे अच्छे इसमें फीचर आपको देखने में, ड्यूरा क्लच में है, ऑल इमर्स ब्रेक, एक्स्ट्रा पावर की बैचिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। पावर स्टेयरिंग के साथ में ये ट्रैक्टर आता है आपको, और पावर स्टेयरिंग के लिए, हाइड्रोलिक के लिए 2 अलग अलग सेपरेट आपको इसमें पंप देखने को मिलेंगे। उसके जस्ट आगे आप देखोगे तो बैटरी बॉक्स मिल जाएगा आपको। अब इसका करते हैं बैक एंड का व्यू। बैक एंड से इस ट्रैक्टर को आप हाइब्रिड डिक्शन वाला ट्रैक्टर है, इसमें कैसा क्या इसका हाइब्रिड डिक्शन जो बनाया गया है वो आपको दिखाते हैं बैक साइड व्यू करके। अब देखो किसान साथियों, इसका बैक साइड का व्यू, बैक साइड से आप देखोगे तो इसमें हाइब्रिड डिक्शन वाला सिस्टम दिया गया है, और आपको इसमें एक अच्छी चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो रिडक्शन है इसकी, जो हीट यानी कि गर्म जो एयर होती है उसको निकालने के लिए यहाँ पर पाइप दी गई है अलग से एक्स्ट्रा, दोनों ही में आप ये देखो यहाँ पर, ये देखो आप, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ जो कंपनी ने की है, जिससे जो लीकिंग की समस्या है वो आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। इसमें आपने सिंगल QRC कपलर मिल जाएगा, जो सेंसिंग के लिए 3 पॉइंट, टॉपलिंग के लिए यहाँ पे मिलेंगे, हुक के लिए इचिंग के लिए आपको डिफरेंट पॉइंट मिल जाएंगे, जहाँ पर आप एडजस्ट करना चाहें वहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको 540 स्टैंडर्ड PTO के चक्कर आपको इसमें मिल जाएंगे। अगर बात करें इसकी मैक्सिमम PTO पावर की, तो इसमें आपको 25.9 PTO पावर मिल जाएगी किलो वाट। अगर आप देखोगे तो 223 की बैच इसमें मैनुफैक्चरिंग स्ट्रक्चर की, 434E21 यानी 21, ठीक है। 5 साल की वारंटी मिलेगी इसमें, आपने 1+5 एक्सटेंडेबल वारंटी, इस बात का आप प्रॉपर ध्यान रखें। काफ़ी चौड़े मरगाड़ इसमें आपने के लिए लगाए गए हैं, और काफ़ी अच्छा ट्रैक्टर है 39 HP कैटेगरी सेगमेंट में।
बढ़िया फीचर हैं। और जो इसके मेनली अगर फीचर अगर वाटर कूलिंग की बात करें, वाटर कूल्ड इंजन है इसमें, सिंगल क्लच ये ट्रैक्टर आपको मिलता है सेंसियल लिफ्ट के साथ में। अगर लिफ्टिंग कैपेसिटी देखोगे तो इसकी 1600 केजी इसकी लिफ्ट कैपेसिटी दी गई है। तो किसान साथियों, ये था पावर ट्रैक कंपनी का 434 DS प्लस, जो कि अब कंपनी ने दोबारा से रीलॉन्च कर दिया है। जो किसान साथी लेना चाहते हैं हाइब्रिडेक्शन के साथ में, वो ले सकते हैं इस ट्रैक्टर को। आपके नज़दीकी जो डीलरशिप होगी वहाँ पर आप जाएं, विजिट करें, उस ट्रैक्टर को खरीद सकते हैं। धन्यवाद।